नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में बारिश को लेकर, और पिछले कई दिनों से नहीं हो रही बारिशों के बाद से मौसम वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में इन दिनों मानसून कमजोर क्यों हो गया है। मौसम विभाग ने मानसून सक्रिय होने से पहले बताया था कि प्रदेश में इस बार सामान्य बारिश होने के आसार हैं, लेकिन मानसून में बारिश शुरू होने से पहले ही धोखा दे दिया। दरअसल बिहार में इस समय झमाझम बारिश होती थी, लेकिन इस बार लोग तेज गर्मी से परेशान हैं। बिहार में तो स्थिति यह है कि एक तरफ जहाँ तेज गर्मी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अब बिहार सरकार एक तरफ जहां बाढ़ को लेकर समीक्षा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सुखाड़ को लेकर भी बात कर रही है। ऐसे में अब बिहार सरकार के सामने, बिहार के लोगों के सामने दोहरी मार है। इधर मौसम के जानकारों ने बताया है कि अब बिहार में सुखाड़ को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है, जिसमें एक कारण जलवायु परिवर्तन को भी बताया गया है। मौसम को लेकर वैज्ञानिकों ने कहा है कि पिछले कुछ सालों से मानसून काल में इस तरह के असामान्य प्रवृत्ति देखने को मिली है, जिसका असर प्रदेश के सभी जिलों पर पड़ने वाला है। खासकर दक्षिण बिहार की कई नदियां सूख गई है, जिससे कि पानी की किल्लत सबसे पहली समस्या बनकर सामने आने वाली है। मौसम के जानकारों ने यह भी बताया है कि बिहार में सिर्फ बारिश ही नहीं हो रही, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ पर भी बारिश की समस्या आम हो गई है। हिंदुस्तान अखबार को दिए इंटरव्यू में इंडियन मेट्रोलॉजी सोसाइटी ऑफ बिहार चैप्टर के अध्यक्ष सह CUSB के डीन और बिहार स्टेट एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज की स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर प्रधान पारसार्थी ने बताया कि प्रदेश में जिस तरह से मौसम बना हुआ है, उससे पिछले जलवायु परिवर्तन काफ़ी हद तक जिम्मेवार है। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में इस समय दो तरह की शाखाओं से बारिश होती है। पहली शाखा से अरब सागर के तहत आने वाला जो जलवायु है, उससे महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में बारिश होती है, यानी कि दक्षिण का जो इलाका है देश का, उससे जो है अरब सागर से आने वाली जो जलवायु है उसके कारण बारिश होती है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से झारखंड के छोटा नागपुर होते हुए मानसून बिहार पहुंचता है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में बारिश होती है। ऐसे में अगर बिहार और इसके आसपास के जिलों में अगर बारिश नहीं होती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि बंगाल की खाड़ी से बनने वाला जो मौसमी सिस्टम है वो कमजोर पड़ गया है। प्रदेश में कम बारिश को लेकर उन्होंने यह भी बताया कि इस समय बिहार में बंगाल की खाड़ी की शाखा आरंभ से ही कमजोर रही है। इसके साथ साथ यह भी बताया जा रहा है कि इस बार मानसून के साथ साथ टर्फ लाइन की रेखा आसपास नहीं दिख रही है, जिसके कारण प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है। बताया जा रहा है कि इस बार मानसून ओडिशा और मध्य प्रदेश के आसपास में शिफ्ट हो गया है, जिसके कारण बिहार समेत इस शाखा के तहत आने वाले जितने भी राज्य हैं उसमें बारिश नहीं हो रही है। पिछले साल का अगर हम बात कर लें तो इसी शाखा के तहत तूफान का असर था, जिसके कारण बिहार झारखंड में जमकर बारिश हुई थी। मौसम वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनता है, तो यह मानसून जो है बिहार और झारखंड के लिए और धकेलता है, जिससे कि प्रदेश में बारिश होती है। इस बार की स्थिति यह है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बहुत ही कम बना है, जिसके कारण बिहार में मानसून बहुत देर तक नहीं रुक पाया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगले एक हफ्ते बारिश की स्थिति नहीं है, यानी कि मौसम वैज्ञानिकों ने भी यह माना है कि अगले एक हफ्ता तक किसी भी तरह की बारिश की कोई भी संभावना नहीं के बराबर है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि फिलहाल बिहार में लो प्रेशर एरिया बनने का कोई निश्चित स्थान भी नहीं दिख रहा है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो कम दबाव का क्षेत्र बनता था, उसकी भी स्थिति अभी वर्तमान में बिहार में कहीं बनता हुआ नहीं देख रहा है। एक तो टर्फ लाइन की जो रेखा है जो बिहार के आसपास से गुजरती थी, जिससे कि प्रदेश में लंबे समय तक बारिश होती रही है। हमने मानसून के शुरुआती समय में भी देखा कि एक टर्फ लाइन जो है उत्तर पूर्व के जिलों में बना है, जिसके कारण उत्तर पूर्व के इलाके में बारिश हुई थी, लेकिन वही टर्फ लाइन रेखा जो है अब उड़ीसा और मध्य प्रदेश के आसपास के जिलों में देखने को मिल रही है, जिसके कारण उन जिलों में बारिश हो रही है। ऐसे में बिहार इस समय जो है वर्तमान स्थिति में ना तो टर्फ लाइन है और ना ही लो प्रेशर का एरिया बिहार के किसी जिले में बनता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण स्थिति यह है कि प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया है और बारिश न के बराबर हो रही है। बिहार में इस बार सूखे का संकट मंडरा रहा है। बिहार में इस समय बारिश होती थी, लेकिन इस बार लोग तेज गर्मी से परेशान हैं। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों ने साफ तौर पर कहा है कि इन सब का एक कारण दिखता है, और वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण ही मौसमी सिस्टम में गड़बड़ी देखने को मिली है, जिसके कारण जून जुलाई का वो महीना
जिसमें कि बरसात की शुरुआत होती है, तेज झमाझम बारिश होती है, लोगों को गर्मी से राहत मिलती है और किसानों को धान का बिचड़ा लगाने का समय होता है, धान रोपने का समय होता है। ये वो फसल है जिसको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यही वो कारण है कि बरसात के दिनों में इस फसल का उत्पादन होता है। लेकिन किसानों के लिए तो मार का समय है ही, साथ ही साथ आम लोगों को गर्मी से भी झेलनी पड़ेगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।